सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मान्यो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिन्हों का एक बचन करोड़ों सिखां नूं कैद विचों छुड़ा देवे, ओह गुरु जी तुर्क बादशाह की कैद विच पए हन। उस गुरु जी का कैद विच आना यह गुरां दा कौतक पछाणो। जिस मूर्ख नौरंगे नूं अकल नहीं, उसने एक दिन गुरु जी का बिरतांत चितवया। हुण आसानी नाल ही शरा विच आ जाणगे जां वड्डी करामात करके विखाउणगे। एक मलाणे नूं अपने पास बुलाया ते अपने आशय नूं उसदे पास उचारण कीता। हिंदुआं दा गुरु मेरी कैद विच है, उसनूं इस तरह उचारण करके समझाओ, अपनी करामात विखाओ, नहीं तां मुस्लिम शरा विच आ जाओ। मुलाणे ने बादशाह दे दिल दा आशा सुनिया। ओह गुरु जी दे महात्म नूं नहीं सी जाणदा। जिस थां गुरु जी कैद विच बंद सन, उस थां मुलाणा आया ते बादशाह दी कही होई गल उसने सारी कही। बादशाह ने तुहाडे पास भेजा है ते कहा है, जे आप हिंदुआं दे गुरु हो, लखां तुहाडे सिख कहाउंदे हन, सारे बहुत प्रेम करके तुहानूं मानदे हन, धन आदि वस्तां अर्पण करदे हन, ते तुसी गुरु महंत बन के बैठ जांदे हो, करामात धारण करके गुरु जी अखवाउंदे हो, ओह करामात तुसी बादशाह नूं विखाओ, जिवें ओह कहे उस तरह आप करो, ता कि ओह तुहाडे वड्डे प्रताप नूं समझ लवे। तद श्री गुरु नानक देव जी का रूप तुहानूं फिर अनुपम वली जानणगे। बादशाह मनेगा ते तुहानूं बहुत धन देवेगा, सब तो वड्डा तुहाडा सन्मान वधेगा। श्री राम राय ने जिवें रस रख्या है, वह उस तरह करता रहा है जिवें बादशाह कहिंदा सी। बादशाह नाल उसकी बहुत बनी हुई सी, उसने सब रीतियां नाल बहुत वड्याई ली। उस तरह तुहाडा आदर होवेगा, जद बादशाह तुहानूं मन्नेगा तां सारे तुहाडे अगे झुकणगे। जे तुसी करामात धारण नहीं करदे हो तां फिर आप शरा विच आ जाओ। धन पिंड ते होर पदार्थ कह के अपना स्वार्थ पूरा करो ते सारयां नाल इक रंग हो के मिल जाओ। बादशाह फिर तुहानू बहुत उच्ची पदवी देवेगा। दोवां विचों एक नू मन लो तां तुहाडी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बादशाह बहुत मुल्कां दा मालक ते महान बलवान है, उहनां दे कहे नूं मन्नो ते आनंद नाल रहो। मुलाणे पासों अजिहे बचन सुण के श्री गुरु तेग बहादुर जी हस पए। तुहानू खुदा ने बादशाही दित्ती है, प्रजा नूं इंसाफ देण वास्ते तुहानू तख्त ते बिठाया है। जे तुसी प्रजा दा इंसाफ करोगे तां इस दे इवज विच खुदा पासों मेहर पाओगे, पर जे बेइंसाफी करोगे तां पछताओगे ते सब राज अते धन दौलत गवा लवोगे। करामात कहर दा नाम है, संत लोग नहीं करदे हन, जादू दे बराबर जाणदे हन। जिहड़ी वड्डी करामात करके विखाउंदे हन, ओह अगली दरगाह विच वड्डे गुनाहगार पाए जांदे हन। अपना अपना धर्म सब नूं प्यारा है, जिहड़ा भी कोई धर्म धारण करदा है उही धर्म उस नूं उतारदा है। असीं तां इह दोवें गल्लां नहीं मन्नांगे। बादशाह जिवें मन विच ठीक जाणदा है उस तरह ही कर लवे। जद गुरु जी ने बड़ी निम्रता नाल गल कीती तां भाई मती दास जी, गुरु जी दे निजी दीवान, जिहड़े काफ़ी लंबे समें तों गुरु जी दे नाल रहे सन, उन्होंने अजिही निम्रता वाली गल सुन के मन विच बर्दाश्त ना कीती। गुरु जी की सेवा करन दे तप नाल उन्हां विच बड़ी शक्ति आ गई सी। ओह महान शक्ति उन्हां विच समाउंदी नहीं सी। श्री सतगुरु अते मुलाणे दे सुणदिआं भाई मती दास बहुत गुस्सा धार के बोलिया, हे गुरु जी, तुसी एक शक्तिहीन वांग किवें बोलदे हो? मैनू अजिहे बचन चंगे नहीं लगदे। सारे गुरु साहिबान दी उत्तम जोत आप विच प्रकाश रही है, तुरकां दी कठोरता ही खोटी है। अपनी शक्ति नूं हटाओ नहीं, कैद विच पए होए कष्ट सहारदे हो ते अपनी शक्ति नूं नहीं संभालदे हो। अठां गुरु साहिबानां दा वड्डा श्रेष्ठ जस है, इस समय आप ने इस नूं छोटा क्यों कर दिता है?
तुसी होर मनुखां वांग बन के बैठ गए हो, निर्बल समझणगे ते जग विच वैसी बदनामी होवेगी। बादशाह संतां दा दुखी है, इस नूं कोई मूंह भन्नण वाला व्यक्ति नहीं मिलिया है। जे हुण आप जी की आग्ञा पावां तां ऐसी करामात विखावांगा जिन्ने भी मुहम्मद दे पैरोकार हन सारयां दे इक्को वार सिर भन देंगा। यह कहर मंगदे हन, कहर विखावांगा इन्हां नूं नाश करके, इन्हां दीआं सफां ही चुक देंगा। राजा प्रजा फिर दुष्ट नहीं होणगे ते उह फिर संतां दा बुरा नहीं सोचणगे। जे सारयां नूं मारन दी आग्ञा नहीं दिंदे हो, चेते विच सारे तुरकां नूं रखणा चाहुंदे हो, तां नीच पुरख जिहड़े संतां नूं दुख दिंदे हन राज सहित उन्हां दा नाश कर दें। भाई मती दास की अजिही गल सुन के गुरु जी ने अपने हिरदे विच विचार कीती। इसने जिहड़ी हिरदे विच शक्ति धारण कीती है वह इस पासों जरी नहीं जाती है, यह साडे आशे नूं नहीं समझदा है। ब्रह्म ज्ञान विच यह हुण तक कच्चा है, यह हाले तक समझ नहीं है कि सारे जगत का इको अकाल पुरख सच्चा मालक है। किसनों मारीे कौन मरदा है, सारे दिलों विच इको ब्रह्म व्यापक है। इस तरह जानण तो बगैर करना चाहता है, सेवा का तप करके वड्डा तेज धारण किया है। ब्रह्म ज्ञान तो बगैर हिरदे का हंकार हजारा यतना करन नाल भी मिटदा नहीं है। हंकार रूप चोर भगती का धन लुट लैंदा है। हंकार रूपी चोर तो ब्रह्म ज्ञान के बल नाल छुटकारा हुंदा है। जे ऐसा ना होए तां क्रोध नूं धारण करता है ते करामात करके बहुत लोगों नूं मार दिंदा है। इस विचों हुण शक्ति कढ लैणी चाहीदी है, फिर नहीं बोलेगा ते सानूं चिंता नहीं रहेगी। इस तरह सतगुरु जी ने हिरदे विच विचार कीती ते भाई मती दास नूं पास बुलाया ते कहा, तू मेरा भारी मित्र अते सहायक है, जिस प्रकार तू हुण गल कीती है ओह तू कर सकदा है, इस विच कोई झूठ नहीं है, सारयां नूं एक खिण विच मार सकदा है। ऐसे समय तू इस तरह बचन कहा है, मैं प्रसन्न होया हाँ, तू निजी हित वेख्या है, हुण साडी इच्छा सुनो ते करतार अगे नमस्कार करो। भाई मती दास ने सुन के इस तरह कीता ते सतगुरु जी दे चरणा ते वंदना कीती। गुरु जी ने तुरंत सारी शक्ति खिच ली, जिमें जाल पा के जल विचों मच्छी खिच ली दी है। फिर सतगुरु जी ने मुख तो हस के कहा, हुण तुसी उस तरह करो जिमें तुहाडा चित चाहुंदा है। भाई मती दास जी तद विचार करते रहे, मैं अपने विच शक्ति नहीं वेखी है, सेवा दे तप नाल इकट्ठी कीती सी, हुण उह सारी सतगुरु जी ने खिच ली है। भाई मती दास जी ने फिर हथ जोड़ के बेनती कीती, हुण तां मेरे पास कुछ नहीं रहा है, जिमें आप चाहते हो उस तरह करो, भरे सखणे करके सखणे भर दिओ। सतगुरु की मर्जी तो बगैर मैं कहा है, उन्होंने शक्ति खिच ली है, मैं उसका यह फल पाया है। हे प्रभु जी, मैनू खेमा करो ते बख्श दिओ, मेरे ते किरपा करो, मैं तुहाडी शरण विच हाँ। मैं तुहाडे चरित्र नूं नहीं जाणिया है, आप जी का अनादर वेख के दुख मन्निया सी, पर लोग सानू वेख के निंदा करनगे ते ये समझणगे कि शक्तिहीन सिख फिरदे हन। यह गति मेरे पासों जरी नहीं जाती, तुरक बादशाह मेरे अगे की है, झट खपा देंगा। श्री गुरु जी ये सुन के मुस्कुराए ते उन्होंने वचन किया, हे मती दास, तू मेरा बहुत प्यारा सिख है, फिर भी यह गुप्त कहानी सुनो, मेरे बगैर दूसरा कोई नहीं जानता है। श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर नूं राज दान विच दिता सी, ओह मोड़िया नहीं जा सकता, इस करके असी हुण सिर देवांगे ते सिर दे के इन्हां नूं झूठे करांगे ते दित्ती होई वस्तु फिर अपनी मुट्ठी विच मोड़ लवांगे। जे असी हुण इत्थे सिर नहीं देंगे तां साडे देश विच तुरकां दा महान राज रहेगा, तद असी बहुत वड्डा अपराध कमावांगे। सिर देण तों बाद असी इन्हां दीआं जड़ां पुट देंगे, यह चंगी गल है कि नहीं? क्रोध करके तू हिरदे विच पछता रहा है, इस तरह समझो हिरदे विच आनंद सहित रहो, ना गुस्सा करो अते ना ही ज़्यादा पछतावा ते फिक्र करो। भाई मती दास ने वड्डा भेद सुन के गुरु जी के चरणों ते मत्था टेकया ते उसका हिरदा आनंद नाल भर गया। सब विधियां नाल मुलाणे ने यह गलबात सुनी अते वेखी ते उस समय नुरंगे दे पास चले गया।
तुरंत नौरंगे नूं सारा वृतांत सुनाया अते भाई मती दास दे सवाल जवाब बारे भी दस्या। नौरंगा यह सुन के तन मन तो विशेष तौर पर सड़ गया, फिर बड़ा क्रोध भर के बोलिया, मती दास नूं बुला लिया ते दो तख्तियां विच बन दिता। फिर जल्लाद नूं हुक्म सुनाया ते उसने आरा लै के भाई मती दास दे सिर ते धर दिता। भाई मती दास जी नूं अद्धो अद्ध चीर दिता ते ओह दो फाड़ हो के धरती ते डिग पए। ओह दोवां शरीरां नाल श्री जपजी साहब पढ़ रहे सन, सारे वेख के बहुत हैरान हो रहे सन। कहिंदे सन दो खंड हो के कोई ज्यौंदा नहीं रहिंदा, ये तां इंज पाठ करदे हन जिवें कोई ज्यौंदा हुंदा है। फिर दोवां शरीरां ने श्री जपजी साहब का भोग पाया ते गुरु जी का प्रेमी गुरपुरी विच पहुँच गया। भाई मतीदास ने उत्तम गति प्राप्त की, जिन्हां ने गुरु जी के अश्चर्य चरित्र नूं जाणिया। गुरु जी महागंभीर अते धरती वांग धीरजवान हन, कोई भी सतगुरु जी की करनी नूं समझ नहीं सकता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।